फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी के पापड़। तो सूजी के पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक बर्तन। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। मैंने यहाँ पे एक पैकेट सूजी यूज़ की है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी और अब हम इसे 3 दिन तक फूलने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से खट्टा हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 दिन हो चुके हैं और जो आप देख सकते हैं इसका सारा पानी साफ दिख रहा है। तो हम इसका पानी जो है इसे हटा देंगे कुछ ऐसे। इसका पानी छानने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा खमीर आया है। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे बबल्स भी बने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, ये खट्टा हो चुका है। अब हमने यहाँ पर डाल दिया है 2 जग पानी और अब हम इसे अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और ये जो हमारी सूजी है जो फूल चुकी है अब हम इसे इसमें मिला देंगे। तो यहाँ हमारा जो पानी है वो अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। पानी बॉईल होने के बाद जो हमारी सूजी फूल चुकी थी हम इसमें डाल देंगे और आपको यहाँ पे इसकी खट्टी खट्टी स्मेल आएगी। अब हम इसे अच्छी तरीके से चम्मच से मिलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लंप ना बने। तो हमें इसे कंटिन्यू चम्मच से चलाते रहना है। अब हमें यहाँ इसे अच्छी तरीके से मिलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है। तो हमें इसे पतला करने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे गर्म पानी। आपको ध्यान रखना है कि आप अगर ठंडा पानी डालेंगे तो आपका बैटर बिगड़ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे गर्म पानी ऐड किया है इसमें और इसे हम अच्छी तरीके से मिलाते रहेंगे। इसके बाद जो हमारे सूजी के खट्टे पापड़ का बैटर है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने देने के बाद हम इसे सुखाएंगे छत पर कुछ इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे जो पापड़ हैं वो सूख गए हैं और अब हम देखिए हमारे जो पापड़ हैं वो कितने अच्छे और पतले बने हैं। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए और अब हम इसे आपको तल के दिखाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको तेल को अच्छे से गर्म होने देना है, उसके बाद इसे तलना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सूजी के खट्टे पापड़ बनके तैयार हैं। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारे सूजी के खट्टे पापड़ की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।